अंग्रेजी के एक बड़े मशहूर कवि और लेखक ने कहा है, व्हाट इज इन नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। लेकिन आपको बता दें कि नाम में धर्म छुपा है और धर्म के नाम पर राजनीति इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। और ये जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर प्रशासन का एक आदेश जो है वो इस वक्त बड़ी चर्चा में है, विवादों में है। इन विवादों के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अपने उस आदेश में थोड़ा संशोधन किया और कहानी बदल गई। दरअसल मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा कि उनके इलाके में जो कांवड़ का रूट है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, और जो कांवड़ का रूट है और उस रूट में आने वाले जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो सभी के सभी अपने जो प्रॉपराइटर हैं, यानी कि जैसे जो टी स्टॉल है या होटल है उसका नाम, जैसे देखिए यूपी 12 किंग कैफ़े, लेकिन इसके प्रॉपराइटर जो हैं वो मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान, ये सभी में आपको नाम लिखे हुए दिखेंगे। क्योंकि दरअसल ये प्रशासन का ऑर्डर है, इसीलिए उसके बाद ये नाम यहाँ पर जो है वो लिखे गए, बोर्ड टांगे गए, हैप्पी मोमेंट रॉयल कैफ़े। इसी तरीके से आगे जो है एक और टी स्टॉल है, रेस्टोरेंट है तिरंगा टी स्टॉल, उसमें भी अफ़ान भाई, इस तरह के जो अब बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब इस पूरे घटना पर, इस पूरे मामले पर विवाद हुआ, उसके बाद जो है प्रशासन थोड़ा सा बैकफुट पर आया और अब ये कहा गया है कि स्वेच्छा से जो लोग चाहें, अपनी इच्छा से अगर वो नाम यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, नहीं तो नाम हटा सकते हैं। हमारे साथ कुछ होटल संचालक हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है जी, तो इस बार का आदेश जो आया, आपको आपका क्या कहना है इसको? अचानक से जैसे आदेश आया, हमें आदेश मिला, कहने लगे नाम लिखवाओ, अपने सारे कारीगरों का नाम लिखवाओ। हमने अपना उनका हुक्म जारी रखा, अपना काम करा पूरा। तो पूछा नहीं प्रशासन से कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कारीगरों के नाम? पूछने में धमकी दी गई, अपना होटल बंद कर लो। अच्छा, हाँ धमकी दी गई बिल्कुल, कहने लगे होटल बंद करवा देंगे अगर कल को नाम लिख के बना मिले। अब आदमी काम छोड़ के सारा काम करवाएगा, पहले नाम लिखवाने जाएगा, एक फ्लेक्सी 200 रुपये की, लेकिन काम छोड़ के जाएगा 500 रुपये का आदमी। अच्छा, तो अब आपके कारीगर जो हैं उन्होंने कुछ कहा कि उन सबके नाम आपने यहाँ पर बोर्ड पर लिखवाए हैं? बस उनकी सबकी सहमति से जब आदेश हैं ऊपर से तो हमें करना पड़ा। इसमें मुझे दिख रहा है स्टाफ में आपके पंकज शर्मा भी हैं, आशु सैनी भी हैं, नानू वर्मा भी हैं। जी मौजूद है मेरे पास, मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज शर्मा है जी, आशु भाई अंदर है जी। इस आदेश को आप क्या कहेंगे, इस आदेश को लेकर जो सर प्रशासन की तरफ से कहा गया था? जी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने इसलिए कहा कि जो कांवड़ यात्रा है उन्हें अच्छा माल मिले और स्टाफ पता चलना चाहिए कौन सा स्टाफ है, इसलिए। आपको क्या लगता है कि नाम लिखना सही है भाई? उन्होंने जो आदेश उठाए होंगे कोई अच्छी चीज़ के लिए तो उठाए होंगे, ऐसा तो नहीं है जो उठा देंगे, ये गलत विचार नहीं होगा, जिससे पब्लिक को अच्छा माल मिले और नाम भी पता चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ा इतने दिनों में, जो ये 2-3 दिन हो गए इसको? नहीं, काम पे फर्क पड़ा भाई। अच्छा, 50% काम खत्म है। अच्छा, काम खत्म हो गया बिल्कुल, 50% काम खत्म हो चुका है। इसमें कोई हम जबरदस्ती नहीं कह रहे, कोई वो नहीं कह रहे, काम के हिसाब से 24 घंटे में जो काम था फिलहाल काम बंद है बिल्कुल। यानी कि नाम देखकर जो है वो कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर बाहर से चला जाता है, बाहर से देख के गाड़ी निकाल के बाहर से चला जाता है। तो आपका खुद का क्या मानना है, नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा है, नाम से तो आदमी बोल चाल से ही पता लगा लेता है, ऐसा तो नहीं है कहने लगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता नहीं लगेगा। हिंदू मुस्लिम वाला मामला तो वैसे भी पता लग जाता है बात करने में, लेकिन पता नहीं क्या राय है, ऊपर से क्या ऑर्डर है, कैसे हैं वो हमें मालूम नहीं इस चीज़ का, हमें तो जैसे कहा गया हम करते गए। अच्छा, अब कुछ आया है? क्योंकि ऐसी जानकारी है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है स्वेच्छा से, किसी की मर्जी है लगाइए, नहीं वो लोग जो सेवा दे रहे हैं वो लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं हमारे, उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई किसी तरह का कोई माहौल गलत नहीं है। हमारे पास आ रहे, बोले सेवा दे रहे उन्हें हम, अच्छी से अच्छा खाना दे रहे, खा के अच्छा बता रहे जा रहे। कितने साल से आपने यहाँ पर? मेरा तो पिछले साल था यहीं पे, ये तिरंगा है हमारे चाचा की है, 7 साल से हमारी है। अच्छा। कादिर रेस्टोरेंट है 14-15 साल से, इसमें कोई तो दिक्कत वही है, क्योंकि प्रशासन का तर्क है कि कांवड़ यात्री जो जाते हैं वो जाते हैं लगातार, तो उसको लेकर उनको परेशानी ना हो। अब के ही नाम की परेशानी नहीं दिख रही, अन्य हर साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, कोई मोल भाव नहीं किसी चीज़ का, कोई वो नहीं है। जैसे आपके जो प्रोडक्ट है मान लीजिए ये बंद पैकेट में है, तो भाई अगर कोई कांवड़ हिंदू खरीदे मुस्लिम खरीदे उससे क्या फर्क? कोई दिक्कत नहीं है, रेट वही मिलेगा, जैसे कोई आएगा बिस्किट है केक है जितने का प्रिंट होगा उतने प्रिंट से बेचा जाएगा,
ऐसा नहीं है कि 40 का माल 80 में भेज दिया, 60 में भेज दिया, ऐसा भी कुछ नहीं। जितना प्रिंट है हर चीज़ पे, खाने की चीज़ पे, रेडीमेड हो या बना के दे, मैं वही रेट लगाएंगे जो बेचते हैं आम दिनों में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रशासन का आदेश है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि भाई अगर आपका अपना कोई होटल है तो अपने नाम से चलाना चाहिए? आप नाम तो किसी भी सर, नाम से तो कोई मतलब नहीं है इसका प्रशासन से, लेकिन प्रशासन का हुक्म है, हमें तो मानना पड़ेगा ना सर, हम प्रशासन के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। तो इसका ये नाम का लिखने से ये तो कह रहे हैं कि सेल पे फर्क पड़ा है, आपको लगता है? सर सेल पे तो फर्क पड़ता है, अब मानने की बात है, आप में और हमारे में तो हिंदू मुस्लिम की कोई वो है नहीं, लेकिन बहुत से इंसान हमारे में आप और आप में ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फर्क मानते हैं, जो भी देखते हैं नाम पढ़ते हैं वो बाहर के बाहर ही रिटर्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको उन्हीं कांवड़ियों के पास ले चलता हूँ जिन कांवड़ियों के लिए सारी कवायद की जा रही है। देखिए कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कुछ कांवड़िए यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, ये जो टी स्टॉल है यहाँ पर पहुँचे हैं, बालाजी कैंटीन ये है। तो हम इन्हीं कांवड़ियों से ही पूछ लेते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है, क्योंकि सरकार जो है ये सारी कवायद कांवड़ यात्रियों के लिए कर रही है। जी क्या नाम है आपका? गोल्डी है जी। अरे गोल्डी, ये जो आदेश आया, आप तो खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जितने भी कावड़ रूट पर ये खाने पीने के स्टॉल हैं वहाँ पर अपना नाम दर्शाना होगा कि आखिर उस होटल का ओनर कौन है और वर्कर कौन कौन है? जी ये तो हमें नहीं, ये तो जी हमें नहीं पता फिलहाल, हम तो पहले चल रहे थे, कम से कम 8 तारीख से चल रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि ये सही है गलत है? फिलहाल तो मुझे पता नहीं जी, सही है। आप जैसे कावड़ लेकर जाते हैं, कितने साल से जा रहे हैं आप कावड़ लेकर? 3 साल से जा रहा हूँ। तो कभी होटल में घुसने से पहले या चाय पानी पीने से पहले आपने कभी नाम देखा है? ना जी, कभी नहीं। नहीं, कभी नाम नहीं देखा। तो अब जो ये योगी सरकार की कवायद है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो नाम बाहर होटल के बाहर लिखने को कह रहे हैं, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता जी बोले, पर है जी जो भी है सही है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? विनय हुआ। विनय जी ये बताइए कि ये जो कवायद की गई है कि होटलों के बाहर जो भी ऑनर है उनका नाम लिखा जाएगा, जो वर्कर है जो अंदर काम करते हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा, तो ये तो सही होना चाहिए ना? फिर भी सही है, फिर भी अब क्या पता लगे, तो लगना चाहिए ना कौन है कौन इसकी वजह से। तो ये सही फैसला सरकार का? सही फैसला है जी। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? विनय कुमार है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मुबारकपुर। अच्छा, मुबारकपुर जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर सही है, पास में से है। कितने साल से कावड़ ला रहे हैं? ये 2-3 साल। तो हर बार इसी रूट से गुजरते हैं? हाँ जी, हर बार इसी रूट से अंदर से गुजरते हैं वैसे तो। तो कभी जब प्यास लगती होगी पानी खरीदते हैं, चाय पीते हैं, तो कभी नाम देखा है? नहीं जी, नाम तो कभी देखा ही नहीं, जब गिरा ही नहीं होता, नाम कैसे देखेगी। तो अब जो प्रशासन ने आदेश दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? सही है जी, वो सही है फैसला प्रशासन का, फैसला सही है जी। इसकी वजह? वजह सही है जी, क्योंकि बोले आएंगे देखेंगे कौन है, कहाँ है, कहाँ से है, फर्क लगता है जी उससे भी। अब हम आगे रुके, आगे नहीं रुक पाए, यहाँ रुके, नाम देख के बोर्ड पे जब रुक पाए यहाँ। अच्छा जी, क्या कह रहे थे जी? सही भी होना चाहिए, मतलब कि उन्हें भी तो पता लगना चाहिए बंदा किस कहाँ से, क्या नाम है, कहाँ से, कोई फ्रॉड है क्या है, मतलब कि चीज़ उठ जाती है होटल से, फ़ोन उठ जाते हैं, फिर भी सही है एक किस्म के। तो मेरी बात में कावड़ यात्रा के लिए तो फिलहाल कि होटल में नहीं तो पता लगना चाहिए, 6 बंदे काम कर रहे हैं यार, 6 बंदे ठीक है विमल, ठीक है विमल, आप बने रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप अगर इनके बीच ही मौजूद हैं तो एक बार इन्हें समझाइए मामला पूरा है क्या, किस तरह के सवाल इस आदेश को लेकर उठ रहे हैं वो वहां मौजूद जो कावड़ी है उनसे भी आप बात कर लीजिएगा।